मार्केट्स एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है, लेकिन हाँ पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी खास तौर से आज जो एक मूव आता दिखाई पड़ रहा है पावर स्पेस के अंदर है, काफी तक पार्टिसिपेशन यहां से आता दिखाई पड़ रहा है। बातचीत कर लेते हैं दर्शील से, हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद है। दर्शील जी नमस्कार। नमस्कार, मैंने मार्केटर लिए हैं 525 के रेट पे। 500 शेयर 2500 रुपए के भाव पे। हाँ चलिए, एक जोरदार मुनाफा आपको हो रहा है दर्शील जी, पर उसे बचा के रखिएगा आप। अविनाश सवाल है इनका मार्केटर पे, करीब 25 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 41 रुपए 42 रुपए का मौजूदा स्तर है, आप क्या राय रखते हैं शेयर पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि सुमित, हालांकि ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल शिपिंग मार्केट में फ्रेट रेट्स को देखते हुए आगे भी अच्छी बढ़ोतरी शिपिंग कंपनीज में ज़रूर आएगी, बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार की एंट्री प्राइस इन्होंने मार्केटर में की है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली इनको ज़रूर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बैलेंस जो क्वांटिटी ये होल्ड करेंगे उसके लिए करीबन 50-52 का ये टारगेट रख सकते हैं, लेकिन 50% प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि क्लियरली हमको लग रहा है कि यूरोप और अगर US के मार्केट्स देखें तो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ ऑफ 2017 में थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, तो आई वुड सजेस्ट पार्शियल बुक प्रॉफिट और बाकी क्वांटिटी होल्ड करें। राइट, पार्शली आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं, ये सलाह है आपके लिए। अगले सवाल के लिए हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं, अहमदाबाद से नरपत मेहता ने हमें कॉल किया है। नमस्कार मिस्टर मेहता, बताइए अपना सवाल। सर मैंने टिंकन लिए 550 में 100 से। 550 के प्राइस पर आपने 100 शेयर्स टिंकन के लिए हैं, चलिए आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अब आपका टाइम फ्रेम क्या है? शॉर्ट टर्म का है। शॉर्ट टर्म का आपका टाइम फ्रेम है, ऑल राइट। आशीष क्या सलाह देंगे आप इनको, शॉर्ट टर्म का नजरिया है टिमकेन पर? अभी तो प्रॉफिट हो रहा है, 550 के अराउंड खरीदारी की है। अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसने रिसेंटली एक अच्छे बुलिश प्राइस पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है, तो मैं मानता हूं कि यहां पे इनको होल्ड करके रखना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूं तो चार्ट के ऊपर करीबन 630 का टारगेट यहां पे दिखाई दे रहा है। 630 को अगर हम क्रॉस करते हुए इस स्टॉक को देखते हैं तो ये स्टॉक करीबन 670 तक भी जाएगा, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। और यहां पे स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा थोड़ा डीप डाउन है आज की प्राइस से, लेकिन इनके इनकी जो बाइंग प्राइस है उससे बहुत नजदीक होगा। इसका जो स्टॉप लॉस चार्ट के ऊपर निकल के आ रहा है वो है 545 का, लेकिन हालांकि स्टॉक बहुत अच्छी तरह से बढ़ के ऊपर गया है तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने की सलाह दूंगा। 565 का यहां पे अभी स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें फॉर द टारगेट ऑफ 630-670। ऑल राइट, चलिए तो आपको होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह भी दी गई है, लेकिन क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के फीवर में कबाली हर जगह फैलता हुआ नजर आ रहा है। रजनीकांत की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म कबाली आज रिलीज हुई है और साउथ इंडिया में तो कई कंपनीज ऐसी हैं जहां पर आज रजनीकांत की ये फिल्म देखने के लिए छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी गई है। सुबह 4 बजे से भी इसके शूज भी शुरू हो चुके हैं साक्षी। एब्सोल्युटली, और इसी फीवर को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको आज बता रहे हैं कबाली शेयर्स, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। शुरुआत आशीष में आपके साथ करूंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि कबाली देखने का आपका प्लान है या नहीं, वीकेंड पर आपने ऑलरेडी टिकट्स बुक की है या नहीं, और साथ ही बताइए इन्वेस्टर्स के लिए दो कबाली शेयर्स जहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और रजनीकांत की तरह ही एक सुपर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली, सबसे पहले फिल्म के ऊपर बात करते हैं। एक्चुअली ये जो वीकेंड है वहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए साउथ में ही जा रहा हूँ, हैदराबाद में, तो वहाँ पे मैंने बुकिंग की है। डेफिनेटली वर्कशॉप खत्म होने के बाद मैं कवाली देखने डेफिनेटली जाने वाला हूँ। वंडरफुल। और पीवीआर की बात करते हैं, पीवीआर की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव रुझान वाला चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चार्ट को हर एक चीज पहले से ही पता होती है, इसलिए मैं चार्ट के ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो करीबन 860 के लेवल पे ही चार्ट को पता चल गया था कि कबाली एक बहुत जोरदार बिजनेस करने वाला है, और वहां पे हमें ब्रेकआउट भी मिला था करीबन 860 के लेवल पे, और आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक करीबन 1000 लेवल पे है। बायोकॉन आज से नंबर्स के बाद 8% ऊपर आ चुका है, 757 के सर्व शेयर कामकाज कर रहा है, जिसपे आप खरीदारी कर सकते हैं। 760 रुपए के टारगेट रादर अचीव ही हो चुके हैं। अविनाश, 760 के जो आपने टारगेट पोजिशनल के आधार पर दिए थे वो आज में अचीव हो गए, एक अच्छी तेजी देखने को मिली, 758 शेयर आ भी चुका है, क्या आप इसे रिवाइज करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से जरा लंबा टारगेट अगर कोई पोजिशनल व्यू अगर रखना चाहे सुमित, तो मुझे लग रहा है कि ये तो 2 हफ्ते की बात थी जो आज ही टारगेट हासिल हो चुका है। मुझे लग रहा है कि अगर कोई महीने 2 महीने की अगर टाइमलाइन रखता है तो मेरे ख्याल से 770-780 का भी टारगेट पॉसिबल है।
राइट, चलिए तो अब आपको यहाँ पर राय भी मिल चुकी है और एक बहुत ही खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे हम इकोनॉमी के बारे में और जिस तरीके से रिफॉर्म्स के बारे में आप वाइड कवरेज देख रहे हैं जी बिजनेस पर कल से, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही पूछताछ करेंगे उनसे कि बैंकिंग सिस्टम पर उनकी क्या हालचाल देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त अगर मार्केट्स का हाल देखें तो 8502 के लेवल्स पर मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं, निफ्टी 50 के करंट लेवल्स। साथ ही अगर आप देखेंगे इस वक्त कुछ और शेयर्स जहां पर इस वक्त पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है, उनमें से पावर ग्रिड, गेल, टाटा पावर, तो क्लियर कट आज पावर एक गेनर है जहां पर 2% तक की तेजी देखने को मिल रही है। भारती इंफ्राटेल और साथ ही जी एंटरटेनमेंट में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ये सभी आज गेनर्स है जो कि कहीं ना कहीं बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाजार को जो नीचे ड्रैग कर रहे हैं उनमें भी निफ्टी के जो टॉप लूजर्स हैं उनमें सबसे ऊपर नाम जो है वो है बजाज ऑटो का। साथ ही आप देखिए इंफोसिस में भी आज वीकनेस है, साथ ही साथ ACC, विप्रो और हिंडालको जैसे शेयर में भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद भी हैं, साक्षी हमारे साथ, मिस्टर अभीक परुआ है HDFC बैंक से, चीफ इकोनॉमिस्ट। मिस्टर परुआ नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए। रिफॉर्म्स की रफ्तार जो कि 25 साल पहले शुरुआत हुई थी जिसकी वो रफ्तार आज भी कायम है, सरकार ने इस साल भी रिफॉर्म को लेकर बहुत सारा कामकाज किया है, मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए और जिस तरह गवर्नमेंट का कामकाज है, आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी वेल शेप्ड अप है या अभी भी और ज़्यादा स्कोप है और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए? बेटरमेंट के तो स्कोप है ही और काफ़ी सारे सुधार या रिफॉर्म्स लाना चाहिए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट का जो ओनरशिप है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उसमें बदलाव लाना चाहिए। दूसरा, काफ़ी क्षेत्र में सुधार का ज़रूरत है, होना चाहिए। और एक बड़ा मुद्दा है, हम लोग जब सुधार के बात करते हैं हर टाइम हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो चुके हैं, लेकिन दूसरा जो रिफॉर्म्स है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो डूइंग बिजनेस का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग कहते हैं उसको अफेक्ट करता है। दूसरा चीज़ जैसे पुलिस रिफॉर्म्स, वैसे जो एक गवर्नेंस का सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये GST लाना ये या टैरिफ घटाना, ये एकमात्र लक्ष्य तो नहीं है रिफॉर्म्स का एजेंडा का। दूसरा जो बड़ा लक्ष्य है वो तो गवर्नेंस इंप्रूव करने का, वहाँ काफ़ी सारे क्षेत्र में मुझे लग रहा है रिफॉर्म्स लाना चाहिए और इसका एक इकोनॉमिक फायदा भी मिलेगा, इकोनॉमिक और बिजनेस फायदा भी मिलेगा। मिस्टर बरुआ, मिस्टर बरुआ आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, बायोकॉन के नंबर से आए उसे बातचीत करने के लिए, उनकी मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, आपके पास भी हम जल्द लौटेंगे। हमारे साथ किरण मजूमदार शॉ हैं, MD बायोकॉन, बातचीत करने के लिए। किरण मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छे नंबर इस तिमाही के अंदर कंपनी ने दिए हैं, ऑपरेशनल फ्रंट पर भी और बॉटम लाइन के लिहाज से देखें तो बहुत ही अच्छे नंबर आते हुए दिखाई पड़े हैं। सबसे पहले की हाईलाइट्स आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह की परफॉर्मेंस रही सेगमेंटल वाइज, किस तरह की परफॉर्मेंस रही नंबर्स में जिसकी वजह से इतना अच्छा आंकड़ा आते दिखाई पड़े? जी, ये पहली दफ़े हम बहुत ही डिफरेंट सेगमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें आप देख सकेंगे कि हमारे जो बायोलॉजिक्स बिजनेस है वो 53% ग्रोथ दिखाया है और हमारे जो हिस्टोरिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिजनेस है वो वर्टिकल ने भी 9% ग्रोथ दिखाया है। हमारे ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस बिजनेस हैज शोन 17% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर और हमारे रिसर्च सर्विसेज बिजनेस जो है वो भी काफी अच्छे नतीजे दिखाए हैं, 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो अक्रॉस ऑल सेक्टर्स हमें बहुत ही अच्छे नतीजे दिखाए हैं और इसी के बजाय से हमारे जो दिस पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट है बहुत ही मजबूत है और हमें आशा है कि वी विल बी एबल टू शो दिस सस्टेन्ड ग्रोथ दिस ईयर क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स हम प्रोडक्ट मिक्स के साथ हम दिखा सकेंगे। राइट मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, स्टेलर नंबर्स तो हमें देखने को मिले ही हैं चाहे वो ऑपरेशनल फ्रंट पर हो, टॉप लाइन या बॉटम लाइन, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल जो कॉस्ट्स हैं वो भी ईज आउट होते हुए हमें नजर आई है पिछले एक साल में या फिर सिक्वेंशली भी अगर आप देखें तो, कितना बेनिफिट मार्जिन पर इसका पड़ते हुए नजर आ रहा है और क्या इसी तरीके का बेनिफिट आपको आगे भी एक्सपेक्टेड है?
देखिए कॉस्ट कंटेनमेंट और यू नो कॉस्ट ऑफ गुड्स और यील्ड इम्प्रूवमेंट्स तो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, तो वो तो आपको दिखाई देखने में आएंगे. लेकिन आई थिंक दिस क्वार्टर ऑल्सो इफ यू कंपेयर इट नॉट लास्ट ईयर बट इन जनरल हमारे जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स है वो बहुत ही अच्छे हुए हैं और लार्जली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय आवर बायोलॉजिक्स, क्योंकि बायोलॉजिक्स बिजनेस इज अ हाई मार्जिन बिजनेस, तो उसी के बजाय से आप ये अच्छे नतीजे देख सकते हैं. और दूसरी बात ये है कि हमारे R&D स्पेंड्स भी थोड़े यू नो इट्स इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, तो इट हैज बीन मेंटेन्ड एट लास्ट ईयर्स लेवल्स. यू नो नॉर्मली इफ यू कंपेयर इट टू लास्ट क्वार्टर तो इट इज स्लाइटली लोअर, लेकिन ये R&D स्पेंड्स जो है इज रफली यू नो अ लंपी काइंड ऑफ स्पेंड. तो ऑन एन्युलाइज्ड बेसिस वी बिलीव वी विल बी एबल टू कंटेन दीज R&D स्पेंड्स एट लास्ट ईयर्स लेवल्स, हम ऐसे आशा रख रहे हैं. तो कंबाइनिंग दिस विथ ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बायोलॉजिक्स वी थिंक वी कैन सस्टेन दिस ग्रोथ.